हमने आपको गाली नहीं दी, गलत मैडम अब लपेट में आ रहा हूँ। ये एमपी की थप्पड़बाज टीचर है जो गालीबाज क्लर्क को पीट रही है और क्लर्क खुद को गाली दे रहा है। ये सब हो रहा है सागर के नरयावली स्थित सीएम राइज स्कूल में, जहां एक महिला टीचर नीता विश्वकर्मा ने स्कूल के क्लर्क महेश जाटव को गाली देने के आरोप में पीट दिया। हालांकि थप्पड़ कांड के बाद स्कूल के दूसरे कर्मचारी और स्कूल के प्रिंसिपल बीच बचाव करने आते हैं और महिला टीचर को ही गलत बता देने लगते हैं। मैडम अब लिमिट में रहो, आपकी लिमिट में रह के जेब आ रहे हो गई, आपने बहुत बड़े हाथ नहीं उठाने चाहिए। आप जब पैसे खाने को तो हम क्या किस लिए पैसे, हमने किस के लिए अपने आप को गाली बताई। वीडियो के वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया और मामले की जांच के आदेश दे दिए गए। पता लगा है कि नरयावली हायर सेकेंडरी स्कूल का मामला है और उसकी प्रकरण की जांच करवाई जा रही है। रात में हमें पता लगा था तो हमने अपने सहायक संचालक और का दल बना के नरयावली स्कूल भेजा है, प्रकरण की जाँच करेंगे। उसमें जो भी दोषी व्यक्ति, वास्तविकता निकाल के जो भी दोषी व्यक्ति होगा उसके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। विद्यालयों में इस प्रकार की अनुशासनहीनता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सर कुछ प्राथमिक तौर पर कुछ जानकारी आई, क्या बताएंगे? प्राथमिक तौर पर जानकारी दोनों पक्ष अपना रख रहे हैं तो उसकी वास्तविकता की जानकारी के लिए भेजा है दल। वो जो भी निष्कर्ष निकालेंगे उस आधार पर दोषित व्यक्ति के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि वेतन को लेकर दोनों पक्ष में झगड़ा हुआ। फिलहाल दोनों ही पक्ष खुद को सही साबित करने में जुटे हैं। आपको बता दें कि सागर में ही 5 दिन पहले 29 अगस्त सोमवार को देवरी विकास खंड के रसेना एकीकृत हायर सेकेंडरी स्कूल में 2 शिक्षकों के बीच विवाद हुआ था। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें महिला शिक्षक ने चप्पल फेंक कर दूसरे शिक्षक को मारी थी। अगले दिन डीओ स्कूल पहुंचे और दोनों का ट्रांसफर कर दिया गया था। सागर से हिमांशु शिवा पुरोहित की रिपोर्ट, एमपी तक।